The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे हर्नियास के बारे में। एज यू नो, सारे ही वीडियोस हमारे चैनल पे ऑथेंटिक वेरीफाइड होते हैं, डायरेक्टली रेफरेंस्ड होते हैं यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। सो हर्निया क्या होता है? हर्निया आप जो भी बोलिए, हर्निया के बारे में कई कन्फ्यूजन्स हैं। लोग सोचते समझते हैं कि क्या है ये, पता नहीं किस तरीके की बीमारी है, दवा से ठीक हो जाएगी कि नहीं, कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ही। तो आपको आज हम समझाते हैं हर्निया क्या होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, कहां कहां हो सकता है। तो हर्निया बेसिकली एक पाउच है, एक सैक है, एक ओपनिंग है जो ज़्यादातर होता है पेट या एब्डोमिनल कैविटी में, ज़्यादातर, बाकी और भी कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन पेट एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी बड़ी सी है, उसके अंदर एक लेयर है और लाइनिंग है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम, बाहर की, सबसे बाहर की लाइनिंग जिसके फिर ऊपर मसल्स आ जाती हैं। वो पेरिटोनियम की जो लाइनिंग वॉल है, वो पेरिटोनियम जब भी, अगर मान लीजिए उसके ऊपर जो मसल्स हैं, मसल्स हर जगह नहीं है, कई जगह मसल है, मसल के को ज्वाइन करने वाले फिर फाइबर्स जैसे कि फैशिया बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, वैसे पेट के जहां पे मसल्स की जगह पे, वहां पे जहां टेंडन नहीं होते हैं, वहां फैशिया होता है, कि फ्लैट टेंडन होता है, राइट? वो फैशिया जो है वो वहां पर होता है जॉइंट। अब अगर इस फैशिया में या मसल्स में कहीं पर कोई वीक स्पॉट है या कोई छेद है, होल है, तो क्या होगा, आपके अंदर का जो पेरिटोनियम है, अब वो पेरिटोनियम वहाँ से बाहर आ सकता है, वहाँ से आपके वीक स्पॉट से बाहर आ सकता है। तो पेरिटोनियम बाहर आएगा तो अंदर अब्डोमिनल कैविटी का कुछ भी चीज़ उसके साथ बाहर आ सकता है। हो सकता है आपके अथड़ियाँ उसके साथ बाहर आए, हो सकता है वहाँ जो उसके ऊपर की फैट कवर है, ओमेंटम, उस वो बाहर आए, तो कुछ भी चीज़ हर्निएट हो सकता है, यानी बाहर आ सकता है उसके। तो ये सैक और एक पाउच बना देते हैं उस होल से, उस वीकनेस से, इस चीज़ को हर्निया बोलते हैं। इसके आसपास मसल भी हो सकती है, हो सकता है मसल में कोई छेद हो या वीकनेस फट गई हो या फैशिया में हो, और हो सकता है वहां पर एक कलेक्शन वो बन जाए बेसिकली, राइट? सो कहाँ कहाँ हो सकते हैं हर्निया, राइट? एक स्वेलिंग आ जाती है, तो कहाँ कहाँ आ सकती है स्वेलिंग? ऑब्वियसली देखिए, स्वेलिंग आ सकती है एक तो आपके पेट के अंदर ही अंदर हो सकती है, अंदर ही अंदर आपका जो स्टमक है, आपका डायफ्राम एक मसल होती है जो पेट और लंग्स को डिवाइड करती है, डायफ्राम के अंदर से नीचे स्टमक है, ऊपर से फूड पाइप है, तो हो सकता है स्टमक उस फूड पाइप वाले छेद से बाहर आ जाए और थोड़ा सा स्टमक जो है डायफ्राम के ऊपर आ जाए, वो भी डायफ्रेगमेटिक हर्निया या फिर जिसको हम कहते हैं हायाटल हर्निया, हायाटस हर्निया जिसे कहते हैं, ये स्टमक के ऊपर हो, इसको, ये जिसको होता है उसको फिर रिफ्लक्स आसानी से होगा, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा खोल सा देगा और ऊपर आने में, खाना पीना ऊपर आने में बहुत आसानी हो जाएगी। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बर्पिंग, खट्टे डकार, उसको बहुत कॉमन होंगी, ये होगा हायाटस हर्निया। हायाटस हर्निया पे एक डिफरेंट वीडियो आएगा। इसके अलावा जो बहुत कॉमन हर्निया है वो है नीचे का इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल रीजन जहां पे आप अपनी अंडरवेयर पहनते हैं वो इनग्वाइनल रीजन है। इनग्वाइनल रीजन का जो पार्ट है वहां पे जो बल्ज होता है, कई लोगों को ग्रोइन एरिया जिसको कहते हैं, वहां पे होता है, सबसे कॉमन है ये मेन, मेल्स में, मेल्स में सबसे कॉमन हर्निया है। इसमें एक इंग्वाइनल कनाल होता है जो आपके थाइस के साथ नीचे जाता है और स्क्रोटम में घुसता है, तो कई बार वो कनाल के अंदर ही वीकनेस हो जाती है, तो कनाल के अंदर से आपके हर्निएट हो सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन्स, आपका ओमेंटम वहां से जा सकता है, हर्निएट हो सकता है और नीचे पूरा स्क्रोटम तक, आपके स्क्रोटम तक पहुंच सकता है, स्क्रोटम में स्वेलिंग आ सकती है, या वो चीज डायरेक्ट भी हो सकती है कि वो कनाल के थ्रू जाने के जगह कनाल फाड़ के अंदर जाए, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों हो सकती है इनग्वाइनल हर्निया। वैसी ही इनग्वाइनल रीजन, ग्रोइन रीजन के नीचे फीमोरल हर्निया हो सकता है। फीमोरल हर्निया, फीमोरल ये अपर थाए के अपर साइड में, वहां पर बल्ज मिलेगा आपको और बिलो द ग्रोइन बेसिकली, ये ज्यादातर फीमेल्स में होता है, राइट? फीमोरल हर्निया ज्यादातर फीमेल्स में होता है, मोर देन मेन, राइट? और ऑब्वियसली हर्निया हो रहा है मतलब वहाँ की जो कवरिंग है, वहाँ का जो फैशिया है, वहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो वीक है, इसलिए छेद हो गया या गैप आ गया जिसके थ्रू चीज़ें बाहर आ रही है। तो ये छेद या गैप
कई दफ़ा बचपन से भी होता है, जिसे जैसे कि अम्बिलिकस वाले एरिया में आपकी धुन्नी है, अम्बिलिकल एरिया में अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। अगर मान लीजिए बेली बटन जो है बचपन से जब उसकी अराउंड मसल्स हैं वो सही से बंद नहीं हुई, तो बड़े होते होते धीरे धीरे आपको हो सकता है वहाँ सूजन आने लगे या बचपन से आने लगे, ऐसा कई बार पॉसिबल है। और कई बार ऐसा भी होता है वो बचपन में नहीं होती है, बड़े होके आ जाती है, दिखने लगती है, राइट, कि भाई गैप है, लेकिन बड़े होके जैसे जैसे प्रेशर हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ या कुछ भी हुआ, प्रेशर लगाया, वेट लिफ्टिंग की, तब आ गई। और एक चीज है इंसिजनल हर्निया, मान लीजिए पेट में कहीं ऑपरेशन हुआ, एब्डोमिन खुला बंद हुआ, तो वो हिस्सा जो है, वो स्कार एक हिस्सा जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना नॉर्मल है, इलास्टिसिटी है, तो फिर जब प्रेशर लगता है कई बार वो थोड़ा फट सकता है और उसके थ्रू चीज बाहर आ सकती है। इनसीजनल हर्निया इसे कहते हैं, इनसीजनल हर्निया एब्डोमिनल सर्जरी के बाद होता है, अगर सर्जरी आपको पास्ट में हुई है तो। ये सारे हुए आपके मोस्ट कॉमन हर्निया के टाइप्स। सो ऑब्वियसली इसका कारण क्या है, आपके एब्डोमिनल कैविटी की कवरिंग में कहीं ना कहीं कोई वीकनेस, कोई कमजोरी या छेद या फट गया है, ऐसा कुछ हुआ है। और ऑब्वियसली सिर्फ छेद वीकनेस हो जाने से काम नहीं चलेगा, अंदर का एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो चीज़ बाहर आएगी। तो प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप वेट लिफ्ट करोगे, हैवी वेट उठाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आप लैट्रिन के टाइम या टॉयलेट्स के टाइम बहुत प्रेशर लगाओगे, कॉन्स्टिपेशन होगा या यूरिन में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो, स्ट्रेनिंग होगी, तो पेट का प्रेशर बढ़ेगा, राइट। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े, ये दिक्कत होगी, राइट। सो हर्निया जैसे मैंने कहा दोनों तरफ हो सकती है, बचपन में हो सकती है, बड़े होने के बाद हो सकती है, बच्चों में, इवन चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों में भी हर्निया हो सकता है, वो भी उसी वजह से, बेली बटन के वीकनेस। ज़्यादातर अम्बिलिकल हर्निया बहुत कॉमन है, देखी जाती है, कई लोगों में होती है, बच्चों में, बड़ों में हो सकती है, राइट। और हो सकता है बच्चों में है तो वो 4-5 साल तक अपने आप ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुई तब फिर उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि आपकी, अगर मान लीजिए कुछ वीकनेस है भी इन्वॉल्व में, तो हर्निया हो सकता है, बढ़ सकता है। नंबर वन मैंने बताया क्रोनिक या लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज़ रहती है, ज़्यादातर रहती है, या आप बहुत ताकत लगाते हैं यूरिन में क्या मोशन में, आपको खांसी ज्यादा रहती है, कफिंग या स्नीजिंग, छींक बहुत ज़्यादा आती है, तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पेशाब में बहुत ताकत लगती है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वज़न उठाना भी, आपका खुद का वज़न ही 10-20 किलो ज़्यादा है, तो 20-25 किलो हैवी वेट उठा उठा के घूम रहे हो आप, सो आपका ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। आपका अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अगर आपके पेट में पानी भरा है, एसाइटिस हुआ है लिवर खराबी के वजह से, स्मोकिंग करते हैं, एग्जर्शन ज़्यादा करते हैं, या आपकी टेस्टिस पूरी नीचे नहीं है, एक टेस्टिस ऊपर है, तो भी रिस्क बढ़ता है हर्निया का। या फिर कंजेनाइटल एक सिस्टिक फाइब्रोसिस करके बीमारी है तो, या पेरिटोनियल डायलिसिस, या पेट में कोई भी चीज़ का प्रोसीजर हुआ है, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा हर्निया का, राइट। तो हर्निया होता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को हर्निया का कोई सिम्टम नहीं होता, पता भी नहीं चलता कब हो रहा है, कब ठीक हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बल्ज आ रहा है, एक सूजन आ रही है, एक स्वेलिंग आ रही है, राइट। किसी किसी को उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है या दर्द हो सकता है, और हो सकता है ये दर्द या डिस्कम्फर्ट या सूजन तभी बढ़े जब आप या तो खड़े हो रहे हैं, या तो स्ट्रेन कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं, या कुछ भारी सामान उठा रहे हैं, तभी होता है, राइट। और ज़्यादातर लोग सिर्फ एक कंप्लेन लेके आते हैं, कुछ तो यहाँ पे ऊपर आता है, बल्ज है बस, ग्रोइन में यहाँ पे, या कहीं दर्द है, बल्ज है, वो देख कर आते हैं। और अगर आपका हर्निया बड़ा होता जा रहा है तो हो सकता है उसके अंदर जो आपके बॉवल्स हैं, इंटेस्टाइन है, वो घुस गए हैं, और इंटेस्टाइन घुस के कई बार फंस जाते हैं और वापस नहीं आ पाते, इसको कहते हैं स्टक, यानी कि स्ट्रैंगुलेटेड, स्ट्रैंगुलेट हो जाते हैं आपके वहाँ पे बॉवल्स यानी इंटेस्टाइन्स, और ये स्ट्रैंगुलेट मतलब वहाँ पे हो सकता है उनके जाने वाला ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, बिकॉज हर्निया में घुस तो गया प्रेशर लगा के, लेकिन वापस नहीं आ पा रहा, वापस नहीं आ पा रहा, तो ये चीज़ एक काइंड ऑफ एमरजेंसी हो जाती है। इसमें नॉन रिड्यूसेबल हर्निया अगर होता है, वापस नहीं जा रहा हर्निया, तो फिर ऑपरेशन बहुत जल्दी अर्जेंटली करना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है वहाँ का हिस्सा जो है वो बिना ऑक्सीजन, बिना ब्लड सप्लाई के मर जाए, नेक्रोसिस हो जाए, और वहाँ पे डेड टिश्यू आना शुरू हो जाए, तो फिर ये काटना पड़ सकता है आपको, वहाँ का जो इंटेस्टाइन है वो मेजर सर्जरी में डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको नौजिया, उल्टी भी आएगी, वो आपको काई भी आएगी, और आपका नीचे से कुछ मोशन भी पास नहीं होगा, क्योंकि
कहीं इंटेस्टाइन तो बंद हो गया एक जगह से, वहां पे जाएगा नहीं, वहां से आएगा नहीं, अंदर फूलता जाएगा, उल्टी ऊपर आएगी, नीचे तो कुछ जाएगा ही नहीं, इसलिए फिर नीचे नहीं, नीचे से निकलना बंद, ऊपर से आना शुरू हो जाएगा आपका। तो इस केस में फिर अर्जेंट सर्जरी की जरूरत होती है, राइट। सो हर्निया के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर क्या करेगा देख के बता देगा, हर्निया है, बहुत सिंपल है, आपको बोलेगा उधर मुंडी करो, खांसी करो, या कहेगा कोई चीज उठाओ पुश करो, और देखेगा वह हर्निया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है तो हर्निया है, वेरी सिंपल, राइट। और हर्निया हो सकता है अंदर जा रहा है, बच्चों में मैंने पहले भी बताया 5 साल तक रुकते हैं, और बच्चों में कई बार हर्निया देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है, जब बच्चा रोता है तब हर्निया बाहर आता है, या खांसी करता है तो हर्निया बाहर आता है, कई बार ऐसा भी होता है। कई बार हर्निया को देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़ सकती है कोई कोई पार्ट के हर्निया को। और अगर हमें लग रहा है बाउल्स घुस गए या अटक गए हैं, तो एक्सरे एब्डोमेन करके देख सकते हैं कि भाई अंदर एक्सरे एब्डोमेन सारे, अंदर क्या होगा ये एब्डोमेन फंस गया है तो उससे पहले वाले एब्डोमेन सारे सूज जाएंगे, बाद वाले छोटे हो जाएंगे, ये भी एक्सरे में दिख जाता है, ठीक। सो अब हर्निया का करना क्या है, हर्निया हो गया है, एक ही इलाज है उसका, ऑपरेशन सर्जरी, और कोई इलाज नहीं है। भैया जब आपके शर्ट फट जाता है या खिड़की फट जाए, टूट जाती है, तो उस पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। सेम वे अगर आपके एब्डोमेन में कोई छेद हो गया है, होल हो गया है, फट गया है, स्कार हो गया है, टिश्यू फट गया है, या वहाँ से कुछ चीज़ हो गई है, तो हर्निया तभी होगा ना, और वीकनेस है तभी होगा, उसका कोई और इलाज नहीं है। उस वीकनेस को उसको स्टिच करना पड़ेगा, उस छेद को बंद करना पड़ेगा। जब वो छेद को बंद करेंगे तो ही हर्निया वापस नहीं आएगा, उसको अंदर पुश करके बंद कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में स्टिच से काम कर हो जाता है, और कई केसेस में स्टिच के बाद उसके ऊपर एक मेश, एक जाली जैसा लगा दिया जाता है कि और वो बाहर आ ही ना पाए, राइट। तो और ज्यादातर केसेस में ये बिल्कुल रिकवर रीअकर नहीं होता, फिर से नहीं होता है, एक्सेप्ट एक केस जिसमें ज्यादातर पॉसिबल हो सकता है रिकवर होने का, इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया में पहले एक बार पेट में इंसीजन लगा हुआ है, और वो इंसीजन में जो स्कार हुआ था वही स्कार फट गया था, तो उसमें फिर से इंसीजन मार देने से फिर भी ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने बीच में फिर से खांसी करी, प्रेशर किया, हील सही से नहीं हुआ, तो फिर फट सकता है। सो इंसीजनल हर्निया ज्यादातर वापस हो जाते हैं, बाकी के जो हर्नियाज हैं ज्यादातर केसेस में फिर से नहीं होते, अच्छे से आराम से एक माइनर सर्जरी से काम हो जाता है आपका। लेकिन सर्जरी ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन, सुई लगाएं तो भी इन्फेक्शन का चांसेस होता है। सो एक इनग्वाइनल एरिया में जब हर्निया होता है उसकी जब सर्जरी होती है, तो हो सकता है कि आपके टेस्टिकल्स जो हैं उसका फंक्शन कुछ अफेक्ट हो, और हो सकता है इनग्वाइनल एरिया में जब सर्जरी हो तो उससे ग्रॉइन में जाने वाली जो नर्व्स है उसमें कुछ डैमेज हो सकता है ना। ज़्यादातर केस 99% केसेस में नहीं होता डैमेज, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस आपको समझा रहे हैं। और अगर जैसे मैंने बताया हर्निया में आपने सर्जरी टाइम पे नहीं कराई और बाउल्स अंदर घुस के फंस गए, स्ट्रैंगुलेट हो गए, तब हो सकता है कि ये बाउल जो है मर चुका, तो उसको काट के निकालना पड़ेगा, तो फिर वो मेजर सर्जरी में तब्दील हो जाएगा, ये बात याद रखिए। इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी सूजन है जो खांसी के साथ या वजन उठाने के साथ बढ़ती कम होती है, और किसी प्रकार का हर्निया है, नौजिया वॉमिटिंग जैसा कुछ लगता है ग्राइन में इधर उधर, तो जाके डॉक्टर सर्जन को दिखाइए, और हर्निया है तो ठीक कराइए, राइट। क्या आप हर्निया प्रिवेंट कर सकते हो? जी हाँ, आप नंबर वन, अगर आपकी इवन एब्डोमिनल कैविटीज वीक है, तो आप उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बाय डूइंग प्रॉपर लिफ्टिंग। सही टेक्निक से लिफ्ट करेंगे सामान या वजन, जिम में सही टेक्निक यूज करेंगे तो ये दिक्कत कम होगी। वजन कम करेंगे तो भी दिक्कत, जैसे जैसा वजन बढ़ता है उतना पेट आगे फैलेगा, तो वो सब स्ट्रेच होगा, तो फिर गैप बन सकता है। सो इसलिए वजन कम करेंगे, हेल्दी रहेंगे तो फायदा होगा। हाई वेट से वो स्ट्रेच होके फट सकता है, राइट, अंदर का सारा आपका फैशिया कवरिंग, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना ज़रूरी है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेनिंग, ताकत लगा के लैट्रिन या पेशाब में ताकत नहीं लगानी है, वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए कब्ज वाला हमारा कॉन्स्टिपेशन वाला वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा फाइबर, बहुत ज़्यादा पानी खूब पीना है, राइट। बहुत ज़्यादा अर्ज हो तो बिल्कुल रुकना नहीं है, तुरंत जाके आपको अपना पास करना है मोशन और या यूरिन, और एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। बाकी का जानकारी आप कब्ज वाले वीडियो से लो। और मेन लोगों को अपना डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना चाहिए कि प्रोस्टेट तो नहीं बड़ा हो गया, अगर मान लीजिए उनको यूरिन में दिक्कत हो रही है तो। सो इन सब चीज़ों से आप हर्निया प्रिवेंट कर सकते हो, और एक बार हर्निया हो गया तो फिर पक्का उसका इलाज कराइए, ऑपरेट कराइए। सिंपल शॉर्ट ऑपरेशन है, डोंट वरी अबाउट इट, और कोई मेजर तरीका नहीं है। बाकी के छोटी मोटी जानकारी आपको अलग वीडियो में मिलेगी। हमारा एक बेल्ट वाला वीडियो आ चुका है, बेल्ट वाले वीडियो से हमने आपको बताया था कि आप इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा के वेट लिफ्टिंग बेल्ट जब यूज़
करते हैं तो इंटर एबडोमिनल प्रेशर बढ़ता है। तो ऑब्वियसली अगर उस समय आपके आपके एबडोमिनल कैविटी के ऊपर की कवरिंग वीक है तो हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के हैवी वेट लिफ्टिंग से बढ़ जाते हैं तो बेल्ट से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुई जानकारी आपकी हर्निया की। आई होप आपको सही अच्छी लगी हो, लगी है तो हमें भी बताइए लाइक का बटन दबा के, और इसको शेयर ज़रूर करिए। शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, नॉलेज सही मिलेगी तो लोगों को सही जानकारी होगी और इंडिया हेल्थ लिटरेट बनेगा। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आपसे मिलते रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।